हाय यू गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया है, इट्स योर गर्ल्स बर्थडे। टुडे इज 9 नवंबर, प्रोबेबली आप लोग 10 नवंबर को देख रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर क्योंकि भगवान से ब्लेसिंग्स लेना है आज के दिन। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो बैठी हुई है अभी। और पापा भी पता नहीं, देखते हैं, दुकान में जाकर पूछूंगी, अगर वो चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले पहुंच के आ जाऊंगी। सो सबसे पहले मंदिर चलते हैं। आज के दिन का क्या कुछ प्लान है वो आपको व्लॉग देखते रहना, मैं बताती जाऊंगी। बस यही अच्छी बात है कि मंदिर पास में ही है, तो मैं स्कूटी में जाऊंगी। गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ लेकिन मैं सिर्फ अकेले आई, मम्मी पापा नहीं आ पाए। तो अभी पहले तो प्रसाद खरीदने चलते हैं। खाते डाली तक, थैंक यू। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि मंदिर में पहली बार मैं अकेले आई हूँ, वो भी अपने बर्थडे के दिन। बट क्या करें, अब कोई बात नहीं। ये मैं स्कूटी यहाँ पे लगा दिया, चलते हैं। प्रसाद भी मैंने ले लिया, बाकी सब मैं घर से ही लेके आई थी। नमः शिवाय। तो पहले ना यहाँ पे सब दिया जलाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ओवर क्राउडेड हो जाते, बहुत सारे लोग आते, तो यहाँ से हटा कर अंदर कर दिया है। सबसे पहले तो मैं अंदर जाऊंगी। पूजा हो चुका है ऑलमोस्ट, बस अभी यहाँ पे जा रही हूँ। गाइस, माय पूजा इज डन, अब मैं जा रही हूँ घर वापस। याद रखी दिसो दे। अभी बाद दिबो आजी मो जन्मदिन। थाली वापस देने जा रही हूँ, भूल गई, इतने सारे दुकान है, पता नहीं किसकी मेरे से लिया था मैंने। भाई देव अपना थाली। मुझे पागल जैसे फीलिंग आ रही है। आते वक्त तो मैं हेलमेट ही पहनना भूल गई, आधे रास्ते में आकर मुझे पता चला ना हेलमेट बोल के, पता चला डिक्की में ही रखा है, तो अच्छी बात है। मंदिर से मैं आ चुकी थी घर में और थोड़ा बहुत काम करके अभी मैं फिर से जा रही हूँ बाकी सारे बर्थडे के डेकोरेशन वगैरह आइटम्स लेने के लिए आई रही हूँ। गाइस, मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो फिर अपने बर्थडे के लिए सब कुछ तैयारी खुद ही करना पड़ता है। मुझे ज़िंदगी में आज तक सरप्राइज़ नहीं मिला है, किसी ने एक रोज़ तक नहीं दिया है। गाइस, में लाइक लोगों को सरप्राइजेज मिलते हैं ऐसे वैसे, लेकिन हमको खुद बलून लाओ, केक ऑर्डर दो, लाओ, ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, उसी में हम लोग खुश हैं। मैं तो खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अपने बर्थडे के दिन सब कुछ इधर उधर के सारे यू नो काम करने के लिए। ये देखो, जल्दी जल्दी में मैं चप्पल में ही आ गई। गाइस, मैंने चिकन ले लिया, मटन ले लिया और फिश भी ले लिया थोड़ा सा, वो वाला क्या बोलते हैं, बर्थडे का सेलिब्रेशन। सब कुछ डन गाइस, बस केक लेना था, वो भी हो गया है। यहाँ पे है केक। मैं आ चुकी हूँ घर में और मुझे अभी बाकी करना है डेकोरेशन। सारा सामान तो इधर है, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। अभी ऐसा कुछ किया था लेकिन बड़ा ही गंदा लग रहा है, देखो बहुत गंदा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ अलग से हम लोग स्टाइल करेंगे और बैठ के केक कट करेंगे। बट लेट्स सी, मेरे पास कोई है भी नहीं, इतने सारे बलून में फुला फुला के मैं, मेरा गाल क्या हो जाएगा आज यार। कोई नहीं है गाइज, मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाया था, लेकिन अभी सब लोग अपने अपने घर गए हुए हैं दिवाली के बाद में, जब अभी कॉलेज छुट्टी है तो सब लोग गए हुए हैं, कोई आया ही नहीं। मैंने बहुत लोगों को बुलाया था, बट हजूर मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है। खाना खा के फिर मैं देखती हूँ गाइज, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और जुगाड़ नहीं, आज मैं जुगाड़ नहीं करूँगी, मतलब अच्छे से बनाऊँगी और मैं फिर आप सभी को दिखाऊँगी। ठीक है गाइस, मेरा बर्थडे तो है लेकिन मम्मी का ये देखो हालत, मम्मी सोई हुई है, सुबह से उठ भी नहीं रही है, इसी के कारण मैं अकेले गई थी मंदिर। यहाँ पे और ब्लॉगर गाइस, ये दोनों आ चुके हैं। हेलो गाइस, ओए हल्ला मत कर, यहाँ पे सो रही है ना बुआ। आज दीदी का बर्थडे, सब लोग विश करना है। और कॉपी पेस्ट, ये वही बोल रही है, कॉपी कैट जो तू बोल रही है वही बोल रही है। एनीवेज, हटो तो तुम लोग चिरकुट। तो अभी मैं यहाँ पे मम्मी का बुखार टेम्परेचर
ना वो करने के लिए आई हूँ। मम्मी का एक्चुअली जॉन्डिस हुआ है तो क्या करेगा इस, मुझे वैसे मन भी नहीं था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, बट देन मम्मी वॉज द वन हु वॉन्टेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे बिकॉज हम लोग हर साल करते हैं तो उनको करना था, बट वो खुद ही अभी बीमार होके बैठी है। चलो उठ जाओ। कितने? नहीं है, नॉर्मल है, 94.5। इनको मेन फीवर नहीं है, इनको जॉन्डिस है ना। मैं ना सोच रही थी इतने देर तक कि मैं कोई नहीं है, अब मैं अकेले कैसे करूंगी, लेकिन ये दोनों अभी आ गए हैं। जब ये दोनों प्यारे प्यारे से मेरे कजिन हैं तो मुझे फ्रेंड्स लोग की क्या जरूरत है ना। यस। और ये देखो मेरी इतनी लंबी हो गई है, मेरे से कितनी। मैं भी आपकी फ्रेंड जैसी हूँ। फ्रेंड जैसी है? नहीं, बहन 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 हो, लेकिन दूसरी फ्रेंड जैसी। बाबा नेक्स्ट ईयर से हो जाएगी? यस आई नो दैट। कितनी लंबी है तू? मैं चल 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 हट, बकवास मत कर, बलून बुला। अभी हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, इन लोगों का यही काम है। मुझे रेड एंड वाइट वाला थीम चाहिए था, एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट वाला चाहिए था, लेकिन वो ब्लैक मिल ही नहीं रहा था, मैंने बहुत सारे दुकान में देख लिया, तो इसलिए अभी रेड वाला से काम चला रहे। गाइस एक काम बर्थडे गर्ल अपने बर्थडे पे ही काम करती है। हमको तो नहीं करना पड़ता है। क्यों, तेरे बदले में कौन कर दे रहा है? तेरा पति? मम्मी। मेरी मम्मी बीमार है ना आज, नहीं तो मेरी भी मम्मी कर देती। आज मैं मंदिर भी अकेले जाके आई। कहाँ का? यहाँ का। तो मैं अभी फोन पकड़ा रही हूँ मेरी बहन को, ये दिखाएगी किचन में क्या कुछ तैयारी चल रही है। मैंने मेरा जितना पार्ट था वो मैंने कर दिया है, अब बाकी बड़े लोग क्या कर रहे हैं। सब्जी काट रही मेरी फूफू, नहीं दीदी का, फिर यहाँ पे मेरी दादाजी। हेलो, यहाँ पे दादी। हेलो हेलो एंजॉय। आप किसकी बर्थडे पे आई हो? प्रियंका के। नाम मतलब की आपकी क्या है? नातिनी। पोती? पोती। आपकी वो क्या है दीदी, क्या है आपकी? ये पोते 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 नहीं पोती। तो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? ये क्या यहाँ पे मेरी मम्मी, हेलो। यहाँ पे क्या पकने वाला है? पापड़। वाओ स्मॉल पापड़। और वहाँ पे क्या है? मच्छी। ये पेस्ट है, किस किस का पेस्ट है? ये लहसुन और अदरक मिर्च। ठीक है, ये दाल यहाँ पे, यहाँ पे सब्जी है, फिर कुछ बन रहा है अभी, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे मेरे दादाजी ने वो मतलब कि प्याज, यहाँ पे क्या है? ओ चिकन। गाइस ये क्या है? चावल है, राइस। कड़ी पत्ता के साथ बनेगा पुलाव? आप बनाओगे? ओ देखिए कितना मेहनत कर रही है। चलते हैं दीदी के पास। यहाँ पे मेरे से बलून नहीं फूटा। ट्राई 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 ट्राई, वैसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे मैं आपके मुंह के सामने फूट जाएगा, वैसे करने फूट गया तो। वैसे कर दो, हाथ को छोड़ो, नाखून से लग जाएगा। हाँ वहाँ पे पकड़ो और खानदान फूट जाएगी, नहीं तो दो। गाइस मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, एक इसको बोलते हैं मेरे से नहीं होगा गाइस। अब तुम करके दिखाओ, ये बहुत अच्छे से करती है। ये देखो बाप रे, यू टर्न भी मारती है तो। जा तू ट्राई करके देख जा। नहीं होगा हमसे बहन, पता चल गया कि तू मेरी ही बहन है बोल के। हम असली वाला स्कूटी चलाते, असली वाला, नकली वाला नहीं, छोटा मोटा। बर्थडे होने के बावजूद आप सबने देखा है कि मैं कितनी स्ट्रगल करते हुए चल रही थी पूरे दिन भर, एंड नाउ
मैं दुकान में आई हुई हूँ क्योंकि घर का दुकान होने से एक बंदे को रहना पड़ता है। पापा सब कुछ काम कर रहे हैं, मेरा जितना करना था मैंने अपना पार्ट कर लिया। तो शाम को होगा बर्थडे पार्टी, मेहमान तो अभी कुछ आए नहीं है, सब सारे शाम को ही आएंगे। बस अभी मामी लोग आए हुए हैं, मामी नानी लोग, वो तो सुबह ही आ गए थे। मैं सीधा रेडी होऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से। ओके सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरा फुल आउटफिट मैं थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले मुझे आपको दिखाना है कि कैसे डेकोर किया है सब कुछ। गाइस ये लाइट एकदम स्टिल है, ये ऐसे ऐसे की बन जा, ये ऐसे ऐसे झिमझिम नहीं हो रहा है, ये वीडियो में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पूरा लाइट स्टिल है, आपको फोटो में दिख जाएगा। केक दिखाओ, केक केक अभी दिखेगा। वाओ, कहाँ पे बैठोगी, बलून के ऊपर? चलो बैठ जाओ। बैठ गई हमारी बर्थडे गर्ल। चाकू, ओ चाकू, पर्सनल फोटोग्राफर, इंस्टा फोटो दिखा तो कैसी लग रही है। देखो गाइस इसने कैसा क्लिक किया। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम केक का, देखते हैं केक कैसा। तो यहाँ पे आठ, तो बाद में दूर से की फोटो इधर। वाओ, कैंडल भी मिलाए दो। मिला है, खरीदा है, खरीदा नहीं मिला है। ये देखो, वाओ, हैप्पी, क्या लिखा है, 20। वाओ, ऐसा है केक, हैप्पी 20, लेकिन बहुत गंदी तरीके से लिख दिया। मैंने उसको बोला था कि अच्छे से क्रीम लगा कर लिखना, बट ये मेरे कलर, क्या बोलते हैं, आउटफिट के साथ मैच कर रहा है ना ये वाला। मेरा मेकअप ही ख़राब कर दिया है पूरा। तो आप लोगों ने देखा, ऐसा था कुछ मेरा सेलिब्रेशन, एंड आई एम वेरी श्योर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मम्मी की तरफ से कुछ भी, क्योंकि मतलब वो लोग नॉर्मली देते नहीं है ना ऐसा कुछ, लेकिन मैं तो शौक ही हो गई। अभी हम लोग पहले तो खाएंगे, क्योंकि अभी सारे मेहमान आने वाले हैं, तो
लेट हो जाएगा, 12-1 बज जाएगा, हमको ही भूख लग जाएगा, तो पहले अपना पेट पूजा करेंगे, फिर सब लोगों को अच्छे से सर्व करेंगे। नाना नानी लोग सब लोग खा रहे हैं, मैं फटाक से सबको दिखा देती हूँ कि आज स्पेशल क्या क्या बनाया। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे 2 पापड़ है ऐसे, और यहाँ पे है गरम है, यह है दाल, ऐसा लग रहा है ये मच्छर मक्खी है। यहाँ पे है गर्मा गर्म दाल, यहाँ पे इसमें क्या चाहिए, इसमें है वेज वाली सब्जी, सब मिक्स है इसमें, गोभी वगैरह। यहाँ पे है चावल, यहाँ पे भी चावल, ये है चिकन, ये भी नहीं चिकन, और ये है फिश। ये फिश सिर्फ मामी के लिए ही है, बाकी सब के लिए है, चिकन मटन वगैरह फिश नहीं खाती है, मतलब बाकी नहीं खाती है मटन चिकन वगैरह, तो इसीलिए उनके लिए फिश है। तो यहाँ पे चल रहा है नाना पापा लोगों का अलग सा ही एकदम, यहाँ पे ये 2 डाइनिंग ऐसे रख दिया है, अब जब सारे लोग आएंगे तो ऐसे 2 में, क्योंकि लोग अटेंगे नहीं ना, जगह कम पड़ जाएगा। बाकी गाइस उतना ही था, कुछ ज़्यादा स्पेशल और बाकी तो नहीं है। ये मेरे लिए अलग से चिकन बनाया है, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले वाले नहीं खाती हूँ। यहाँ पे भी चिकन है, और ये है नानी के लिए, नानी के लिए अलग से बनाया है इस सूप वाला, और इसमें भी बॉयल करके बनाया है मामी ने। खाना पीना हो के मेहमान आए नहीं है, डांस करने हैं। ऐसा लग रहा है मेरी शादी हो रही है। नानू आता है, इसको पैसा मिला गाइस, देखो गाइस आधे से ज़्यादा मेहमान खाकर चले चुके हैं, बस थोड़े से बाकी है, उसके बाद में अभी तो बारिश शुरू हुई है, और अभी हम लोग सर्व कर रहे थे तो मैं बीच बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई गाइस। अब इसके बाद डांस करेंगे थोड़ा सा, एंड बर्थडे पार्टी ख़त्म हो जाएगा। इतना हेक्टिक था ना आज का पूरा दिन भर की, मतलब क्या ही बोलूँ, यूँ चुकी मैं दिन सुबह से कैसे अभी रात हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, तो आज के जितना दिन इतना फास्ट तो कभी मैंने देखा ही नहीं था, लिटरली बता रही हूँ। तो गाइस योर गर्ल इज ऑफिशियली 20, एंड एक डिबेट है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मैं अभी 21 ईयर्स की हो चुकी हूँ, 20 कंप्लीट, बट मेरे हिसाब से मैं 19 कंप्लीट हो गई, 20 में लगी, क्योंकि मैं 2004 की हूँ। नाउ आप लोग कैलकुलेट करो, 2024 माइनस 2004 20 होता है, सो मैं 20 की हूँ, लेकिन मम्मी को बोलते नहीं निकली 21 की है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता रहे मैं कितनी की हूँ। ये सब गिफ्ट्स जो है बाद में अनबॉक्सिंग वाला अलग से मैं ब्लॉग लाऊंगी, ठीक है। बात है कल से वही सी अप्पे, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पहले ही दे दूं वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खोल रही हो
गाइस किसने दिया है क्या दिया है मुझे नहीं पता, बस गिफ्ट खोल के दिखा रही हूँ। मिला है ये एक पर्स, ठीक है, सेकंड बॉटल, ये फ्रेम है, और ये तो मैं क्या दिखा हुई, मम्मी ने दिया हुआ एक प्यारा सा सूट, और ये मामी ने दिया हुआ ये है एक शर्ट, और ये तो मुझे लग रहा था बोल के लग रहा था, पता चला मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, ये तो ऐसे है। और स्टूडेंट ने दिया है मुझे, गेस करके बताती हूँ, ये मुझे पता है, सबको पता है, ये मेरा कॉफी पीने वाला कप, क्या सोच के ये गिफ्ट दिया होगा, मैं 20 साल की हो गई हूँ, डोरेमोन का गिफ्ट दे रहा हूँ, तो दूध पीने का भाई, दूध पीने अच्छा ही तो है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, गिफ्ट छोटा बड़ा हो, ये बने फिर मजाक कर रही, सीरियसली मत लेना ऐसे मजाक में बोल रही हूँ, सब लोग बहुत प्यारा प्यारा गिफ्ट मिला है, ये है, ये गेस करके बता दो, धूप कटने को ना ऐसा सेन बिस्किट आ बोलो, आप बोलो सेन परफ्यूम, पॉकेट फ्रेंडली है, जब भी नहाए नहीं है तो लेके घूम सकते हैं, अच्छी बात, लेकिन ये वो तो डाबर आलमा डाबर तेल दस्ते लग जैसे नहीं, मेरे को अच्छे से पढ़ना पड़ा कि परफ्यूम है कि तेल है बोल के, तेल होता तो मैं नानी को दे देती गाइस, लेकिन इनका किस्मत खराब है, मुझे परफ्यूम मिल गया। आई थिंक दिस इज वॉच, ओम नमः शिवाय, ये गलत ऊपर का गाड़ी खराब हो रहा है, ये काम आ जाएगा। लास्ट गिफ्ट बचा है ये, इसमें से आईफोन निकल जाए, इतना आईफोन से भी बड़ा निकलेगा, टीवी निकल जाए, फोटो फ्रेम। गाइस तुमको क्या लग रहा है ये सब मेरी मम्मी सजाएगी, नहीं दूसरे के बर्थडे में फिर घूम के जाएगा, ये कुछ काम तो आएगा।